मैं खड़ा हूँ नागपुर के रेलवे स्टेशन पर। आप पीछे आप देख सकते हैं पूरा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मेरी जर्नी चालू होगी मुंबई के लिए। नागपुर से मुंबई का डिस्टेंस है करीबन 800 किलोमीटर और ऑन एन एवरेज आपको जाने के लिए लगते हैं 16 से 17 घंटे, जो कि काफ़ी आपकी कंफर्टेबल जर्नी होगी। बट कुछ कुछ बाइकर्स हैं जो 13 से 14 घंटे में भी नागपुर से मुंबई पहुंच जाते हैं। बट इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से चीज़ें देखते देखते रास्ते का मज़ा लेते हुए इंजॉय करके आप जा सकते हो। तो मेरा रूट रहेगा नागपुर, नागपुर से यवतमाल, यवतमाल से दारवा, दारवा से दिग्रस, दिग्रस से पुसद, फिर वाशिम, जालना, औरंगाबाद, नासिक, कसारा, भिवंडी, ठाणे और फिर मुंबई। बट कुछ कुछ लोग जो है वो बेटर रूट प्रीफर करते हैं, जैसे थोड़ा अच्छा रोड भी है नागपुर, नागपुर से अमरावती, अमरावती से कारंजा, फिर मेहकर, औरंगाबाद, नगर, पुणे, पुणे से फिर मुंबई। ये थोड़ा सा रोड कंडीशन थोड़ा बेटर है। तो ऑन द वे में आप काफ़ी सारे जगह विजिट कर सकते हैं, जैसे अकोला जो कि फेमस है काफ़ी फोर्ट्स और टेंपल के लिए, ऑन द वे आप स्टॉप ले सकते हो। जालना एक तीर्थ स्थल है तो वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। जिसके बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद को महाराष्ट्र का टूरिज्म कैपिटल कहा जाता है, जिसके पास दौलताबाद का किला, काफ़ी अच्छे गार्डन वगैरह है, वर्ल्ड पॉपुलर केव्स है अजंता एलोरा के, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद में शिरडी, जो कि हिंदू कल्चर में, हिंदू रिलीजन में काफ़ी पॉपुलर प्लेस है शिरडी का साईं बाबा। उसके बाद में जलगांव, जलगांव भी टेंपल्स, लेक और पार्क के लिए काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद आएगा मनमाड, मनमाड भी काफ़ी एक हिस्ट्री और फोर्ट गुरुद्वारा भी काफ़ी पॉपुलर है। नासिक, नासिक तो एक एंशियंट सिटी है महाराष्ट्र की, जहाँ पे कुंभ मेला का एक आयोजन होता है और नासिक के अंगूर काफ़ी पॉपुलर है, ग्रेप्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद में इगतपुरी, इगतपुरी एक हिल स्टेशन है। दूसरा एक भी रूट आप चाहे तो चूज कर सकते हैं, जैसे नागपुर, नागपुर से अमरावती, अमरावती से अकोला, अकोला से जलगांव, जलगांव से धुले, धुले से नासिक और नासिक से फिर मुंबई। मतलब आप पुणे स्किप करके वाया नासिक जा सकते हो। अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हो तो नागपुर से मुंबई जाने के लिए जनरल का टिकट है करीबन 250 रुपये और स्लीपर का टिकट है 700 रुपये, और ट्रेन से आपको लगेंगे 12 से 13 घंटे जाने के लिए। बट बाय ट्रेन जर्नी काफ़ी खूबसूरत है। तो ट्रेन जो गुजरेगी नागपुर से मुंबई, तो बीच बीच में जो मेन स्टेशन आएंगे वो रहेगा नागपुर, नागपुर से वर्धा, फिर बडनेरा, अकोला, शेगांव, नांदूरा, भुसावल, जलगांव, मनमाड़, नासिक, इगतपुरी, दादर, मुंबई। मोस्ट पॉपुलर जो ट्रेन है वो है दुरंतो एक्सप्रेस, जो नागपुर से मुंबई जाती है डायरेक्ट, बीच में कहीं भी उसका स्टॉप नहीं है। दूसरी है एक विदर्भा एक्सप्रेस, जो गोंदिया से निकल के मुंबई पहुंचती है, जो शाम को निकलती है और सुबह पहुंचती है। तो ये भी काफ़ी टाइम आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आपको स्लीप करने के लिए ट्रेन में ही जगह मिल जाएगी। अगर आप बस से जाना चाहते हो तो नागपुर से भी डायरेक्ट बसेस आपको मिल जाएगी मुंबई के लिए। ये बसेस दिन में दो बार चलती है, जाने के लिए लगेंगे 17 से 18 घंटे और बीच में लंच और डिनर का ब्रेक भी होगा। ट्रेन का रिजर्वेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पीक सीजन में, तो इसलिए आप अगर चाहे हो तो फिर बस का ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर त्योहारों का समय चल रहा है तो आपको बसेस की बुकिंग एडवांस में करनी पड़ेगी। ये आपको नागपुर बस स्टैंड से आपको बसेस मिल जाएगी। अगर आप MSRTC से जाना चाहोगे तो 20 घंटे लगेंगे, बट जर्नी काफ़ी टायरिंग होगी। अब नागपुर से मुंबई का एक समृद्धि एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो बनेगा तो ट्रैवल टाइम आपका काफ़ी कम हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है टैक्सी से जाना, बस टैक्सी से जाना काफ़ी महंगा पड़ेगा, कोरोना काल चल रहा है तो 20-22 हज़ार रुपये तो वो टैक्सी वाले लेते ही है, क्योंकि रिटर्न जर्नी का पकड़ के। नागपुर से आप निकलोगे तो नागपुर का पॉपुलर है तर्री पोहा, संतरा बर्फी आप साथ में भी लेके जा सकते हैं। अब ऑन द वे में फूड के प्लेसेस हम लोग देखेंगे। नागपुर के लिए काफ़ी पॉपुलर है हल्दीराम्स का फूड डाइनिंग, फिर पंजाबी अगर फूड आप टेस्ट करना चाहते हो तो बारबेक्यू है, चाइनीज़ के लिए नानकिंग और निहाओ है,
साउथ इंडियन फूड के लिए इंडियन कॉफी हाउस और वीरा स्वामी करके है, वहाँ पे भी आप टेस्ट कर सकते हो। वर्धा में आपको राधिका रेस्टोरेंट मिलेगा, नॉनवेज के लिए ऑलिव रेस्टोरेंट है, ओआसिस रेस्टोरेंट है। शिरडी की कचौरी काफ़ी पॉपुलर है तो वो भी आप टेस्ट कर सकते हो। नासिक में वेज नॉनवेज में मिर्ची होटल है औरंगाबाद रोड पे, और एक वेज करी है जो सेम औरंगाबाद रोड पे ही है, और कोकनी दरबार है नॉनवेज फूड के लिए। तो जितनी हो सके जानकारी मैंने प्रोवाइड कर दी है आपको। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रोड के बारे में, रोड कंडीशन जैसे आप देख सकते हो रोड कंडीशन ठीक ठाक है, बस कुछ कुछ जगह पे बैड पैचेस भी है। अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी तरह की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके आपको उतना रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो पूरा वीडियो देख लीजिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।